हम मित्रों में एक बार फिर से गुरु जी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है MHI 09, राष्ट्र और राष्ट्रवाद के उदय के बारे में। चलते हैं बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आगे। प्रश्न है, राष्ट्र और राष्ट्रवाद के उदय के बारे में आधुनिकतावादी सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। देखते हैं आंसर। राष्ट्र तथा राष्ट्र राज दोनों के बीच जुड़ाव को तभी समझा जा सकता है जब राष्ट्रवाद के साथ है इसे संदर्भित किया जाए। राष्ट्रवाद इन दोनों को साथ ले आता है। राष्ट्रवाद सही मायने में एक वैश्विक अवधारणा थी जो दुनिया के बहुत सारे देशों में उभरी और अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। आधुनिकतावादी सिद्धांत राष्ट्रवाद को 19वीं तथा 20वीं सदी के दौरान के विश्व इतिहास से जुड़ी हुई एक परिघटना के रूप में देखता है। आधुनिकतावादी सिद्धांतकार एली केजुरी, दूसरा एर्नेस्ट गेलनर और तीसरा टॉम नेरनर। आधुनिकतावादी सिद्धांतकारों में एनी कटकरी ने शुरुआती आधुनिकतावादी तर्कों की स्थापना 1961 ईस्वी में की। इन्होंने राष्ट्रवाद के एक सिद्धांत के रूप में देखा तथा इसे आधुनिक यूरोप के बौद्धिक इतिहास में गहरे रूप में महसूस भी किया। उन्होंने लिखा है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप में आविष्कृत किया गया था। इसके अनुसार यह राष्ट्रवाद की अवसंरचनात्मक व्याख्या थी जिसके अनुसार राष्ट्रवाद की जड़ें गहरी है न कि इसकी कोई ठोस संरचनाएं हैं और न ही विशेष शर्त है, परंतु ऐसा केवल यूरोपीय विचारकों के विचारों तथा सिद्धांतों में था। राष्ट्रवाद के एक प्रभावशाली आधुनिकतावादी सिद्धांतकार गेलनर महोदय ने राष्ट्रवाद के उदय को ही विश्व के कृषक समाज से औद्योगिक समाज में रूपांतर के रूप में चिन्हित करते हैं। उन्होंने किसी खास समूह तथा व्यक्ति विशेष की गतिविधियों के परिणाम के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे शक्ति तथा संस्कृति की नई अंतःक्रिया को सृजित करने वाले नए आर्थिक तथा उत्पाद बलों के सामने आने के रूप में देखा। उनका सिद्धांत उस दृष्टिकोण से भौतिकवादी था। इनके सिद्धांत में समस्या थी कि औद्योगिक समाज की विशेषताओं को रेखांकित किया वह पूरी तरह विकसित यूरोपियन समाजों में संचालित हो सकता था। इसके विपरीत सही राष्ट्रवाद सही मायने में एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा तथा यूरोप के साथ साथ इसका उदय विश्व के अविकसित गैर यूरोपीय क्षेत्रों में भी हुआ। इसलिए सवाल था कि एशिया तथा अफ्रीका के देशों में राष्ट्रवाद के उदय की व्याख्या की किस तरह से की जाए, जिन्होंने औद्योगिक के माध्यम से न तो अभी तक विकास तथा न ही समृद्धि प्राप्त किया था। राष्ट्रवाद के गेलनर सिद्धांत का सार, यह सिद्धांत अनवरत विकास पर आधारित था। वस्तुतः यह अर्थव्यवस्था तभी कायम रह सकती थी जब यह विकसित होती रहे। यह अनवरत विकसित करने वाली अर्थव्यवस्था ने स्थिर पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। यह अर्थव्यवस्था लगातार चलती रहे
इसके लिए संपूर्ण साक्षरता आवश्यक थी। यह साक्षरता का रूप समतामूलक होना चाहिए था ताकि बड़ी समस्या में अज्ञात तथा एक दूसरे से अपरिचित लोग परस्पर संवाद कर सके। इस औद्योगिक व्यवस्था में गतिशीलता थी जो व्यावसायिक तथा स्थानीय दोनों प्रकार की थी। इस नई अर्थव्यवस्था के कारण लोग अपने संगठित समुदाय से अलग थलग कर एक ऐसा स्थिति में डाल दिया जो दिए गए जो उनके लिए नई थी और न उनसे उनका कोई लगाव था। चौथा, राष्ट्रवाद की नई अर्थव्यवस्था समतावादी पर आधारित थी। इसने लोगों की प्रतिष्ठा तथा हैसियत पर आधारित पाठ पदानुक्रम को समाप्त कर दिया। इसने पुरानी संस्कृति, पुरानी संरचनाओं, पुराने पदानुक्रम को भी नष्ट कर दिया। पांचवा, पुरातनता और सम्राटों की संस्कृति का संरक्षण नई अर्थव्यवस्था के लिए पूर्णतः तर्कसंगत नहीं रह गया था। एर्नेस्ट गेल्डर ने 1983 में राष्ट्र और राष्ट्रवाद के जिक्र किया कि आखिर में राष्ट्रों का निर्माण राष्ट्रवाद से होता है, किसी दूसरे तरीके से नहीं। टॉम नेर्न का आधुनिकतावादी सिद्धांत, इन्होंने भी गेल्डर की तरह राष्ट्रवाद को वैश्विक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्रियाकलापों के साथ जोड़ा, परंतु गेल्डर के विपरीत उन्होंने अपनी व्याख्या की तलाश किया तथा औद्योगिक समाज की गतिशीलता में नहीं की। उन्होंने अपना तलाश औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप सभी समुदायों को मिला। विषमता तथा विस्थापन में थी। इस विस्थापन ने विश्व को यूरोपियन अभिकेंद्र तथा एक एशियाई तथा अफ्रीकी परिधि में विभाजित कर दिया। दूसरे शब्दों में पूंजीवाद ने समाजवाद तथा उपनिवेशवाद को जन्म दिया। नेरन महोदय ने नजर में राष्ट्रवाद पिछले दो सदियों की उपज है। वह सार्वभौमिकवादी सार्वभौमवादी इसलिए हैं क्योंकि वह राष्ट्रवाद के आधुनिक विश्व के समान ऐतिहासिक विकास की खासियत के रूप में देखते हैं। उनके लिए राष्ट्रवाद मानव विकास के लिए खास चरण का एक अनिवार्य तथा एकीकृत परिणाम है। ये राष्ट्रवाद का विश्व तथा पूंजीवाद में अंतर्निहित समाज असमान अविकास के पूंजीवादी रूपांतर के रूप में देखते हैं। नेर्नर के आधुनिकतावादी सिद्धांत का सार है, इसमें देखिए। पहला, 18वीं शताब्दी के आखिर तक यूरोप के कुछ निश्चित क्षेत्रों में विश्व पूंजीवाद का उदय हुआ जिसने समान विकास के मिथक को जन्म दिया। पूंजीवाद धीरे धीरे पूरे विश्व को अपने आगोश में ले लेगा, परंतु यह संभव नहीं था। पूंजीवाद को दरअसल एक अभिकेंद्र को सृजित करते हुए तथा नए औद्योगिक पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था के बाहर के क्षेत्र के परिधि के रूप में विकसित करना था जो अभिकेंद्र की सेवा में था। पूंजीवाद ने उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद की एक प्रणाली की सृजन किया। यह इस सोच के साथ था कि मानवतावाद के आगे बदलने का पर्याय पश्चिमीकरण था। औपनिवेशिक समाज में सम्राटों ने मानकी नए तंत्र में उनकी खास जगह है।
तथा इस तंत्र में उनका शामिल होना बिल्कुल संभव नहीं था। उपनिवेश में लोगों की एक बड़ी संख्या को शासन के इस खेल में अलग रखता था। इस औपनिवेशिक समाज में सम्भ्रांतों ने महसूस किया कि पूंजीवाद के दो चेहरे थे, एक ओर जहां यूरोप संसार में इससे धन दौलत समृद्धि तथा गतिशीलता आई, दूसरी ओर इससे आर्थिक विकास में विषमता तथा उपनिवेश के लोगों का राजनीतिक शोषण भी हुआ। राष्ट्रवाद इसी स्थिति के खिलाफ एक प्रतिक्रिया था। औपनिवेशिक समाज के संभ्रांतों को वर्चस्व शोषण तथा विलगन वाली इस स्थिति के खिलाफ होने वाले प्रतिरोध को संगठित करने के लिए पहल करनी पड़ी। संभ्रांतों के पास कोई आधुनिक आर्थिक तथा राजनीतिक संस्थाएं नहीं थी जिसके साथ मिलकर इस समुदाय को निर्णय करते, इसलिए इसे साझे विस्तार वाले अति भाषण लोक गीत चमड़ी के रंग आदि के आधार पर किया जाता था। नए जज्बे ने संभ्रांतों को बड़े पैमाने पर सामान्य जनता में जोड़ दिया तथा विदेशी वर्चस्व के खिलाफ आम लोगों को एकजुट कर दिया एवं इस वर्चस्व में मुक्ति पाने के लिए उन्हें एकजुटता प्रदान करते हुए एक समान संघर्ष के साथ जोड़ दिया। राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद के खिलाफ संभ्रांतों तथा जन समूहों के संयुक्त संघर्ष की प्रतिक्रिया का एक स्वाभाविक उपज था। टॉम लेरनर राष्ट्रवाद के भारतीय अनुभव के बहुत करीब हैं। उनका सिद्धांत सामान्य रूप से उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवाद तथा खासकर भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एकदम सटीक है। निष्कर्ष: आधुनिकतावादी सिद्धांत राष्ट्रवाद की परिघटना के लिए एकदम अलग व्याख्या देते हैं, कुछ विचारकों तथा सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तथा कुछ ध्यान ठोस प्रक्रिया पर होता है तथा कुछ राष्ट्रवाद को पूंजीवाद के हृदय के भीतर से उत्पन्न हुआ मानते हैं तथा कुछ इसे पूंजीवाद के विषय विस्तार के परिणाम तथा साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के प्रति एक प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं। राष्ट्रवादी अनुभव भिन्न भिन्न हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू, शुक्रिया। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और पसंद आए तो मेरा चैनल का नाम है पंकज प्रतियोगिता, एक बार सर्च करके जरूर देखना। थैंक यू, शुक्रिया।